हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एन इज डबल्ड एंड डेंसिटी इज हाफ, देन इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर। सो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर हम देखें सोनोमीटर वायर की, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू 1/2 L अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर। ठीक है, इसमें हमारी टी जो है वो टेंशन होती है, एल इज लेंथ एंड एम इज मास। बट इस क्वेश्चन में हमें टेंशन, डायमीटर और डेंसिटी की टर्म में गिवन है, तो हमें मास जो है वो चेंज करना पड़ेगा। दिस इज एम अपॉन एल, दिस इज नॉट मास, दिस इज एम ओवर एल। सो एम इज गिवन बाय मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब मास ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ। अब हम मास को हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। नाउ वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होल डिवाइडेड बाय लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। उससे हम देख सकते हैं कि लेंथ से हमारी लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी। सो एम विल बी इक्वल्स टू एरिया इंटू डेंसिटी। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हमारा एक सर्कल होगा। क्रॉस सेक्शन कैसे होता है? अगर हमारी ये वायर है, सो क्रॉस सेक्शन हमारा ये पार्ट होगा। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा? दिस इज सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर इंटू रो। देयरफॉर एन दैट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैन बी रिटन एज 1/2 L अंडर द रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रो। एंड लेट एन प्राइम विद द फ्रिक्वेंसी, ये हमारी इनिशियल फ्रिक्वेंसी है, और एन प्राइम हमने मान ली फ्रिक्वेंसी जब हमारी जो टेंशन है वो क्या हो गया? डबल, दैट इज 2 टाइम्स। जो रेडियस है या डायमीटर है वो हमारा क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस, दैट इज आर प्राइम, एंड द डेंसिटी दैट इज रो प्राइम इज रो बाई 2। ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो हम कैसे निकालेंगे? वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज। सो एन प्राइम विल बी इक्वल्स टू 1/2 L' अंडर द रूट ऑफ टी प्राइम डिवाइडेड बाई पाई आर प्राइम स्क्वायर रो प्राइम। ओके, सो दैट विल बी 1/2। लेंथ में हमारा किस किस में चेंज आया? टेंशन में, रेडियस में एंड डेंसिटी में। सो लेंथ विल रिमेन सेम, 1/2 L अंडर द रूट ऑफ टेंशन हमारी 2 टाइम्स हुई है, सो 2 T डिवाइडेड बाई पाई एज इट इज। रेडियस हमारा कितना टाइम हुआ है? 2 टाइम्स, सो 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हमारी हाफ हुई है, सो रो बाय 2, 2 हमारा एक ऊपर चला जाएगा। ओके, सो व्हाट विल गेट? 1/2 L अंडर द रूट ऑफ 2 to the 4 divide by 4 इज कैंसिल आउट, 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय टी पाई आर स्क्वायर इंटू रो। सो 4 से हमारा 4 कटा, दैट कम्स आउट बी 1/12 अंडर द रूट ऑफ टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। ये हमारी एन प्राइम आ गई, और यही वैल्यू जो थी वो हमारी एन थी जो हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट की थी, एंड दिस इज
इक्वेशन नंबर टू. सो वी हैव इक्वेशन नंबर वन इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर टू, देयर फोर इट कंक्लूड्स एट एन प्राइम इज इक्वल्स टू एन. दिस इज योर आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.